हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर 14th है, 13 पार्ट मैंने दे चुका हूँ पहले ही। सारे बच्चे उन पार्ट्स को देखो, जितना भी हो सकेगा सारी वीडियोज को देखो बिना स्किप करे हुए। अब आपके एग्जामिनेशन के ज्यादा टाइम नहीं रह गए हैं, शुरू से लास्ट तक सारे पार्ट देखना। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की सेपरेटली मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उन्हीं की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो या डेरिवेटिव के देखना चाहते हो तो सेपरेटली लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है, इसमें हम और लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो जो बच्चे इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, देख लेना, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। तो पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर है ये 14th, और वीडियो कर दे बिना गए हुए स्टार्ट। तो जी ये बेटा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, जो कि लास्ट वाली 3 एक्सरसाइज, तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वीडियो मैंने होमोजीनियस वाले क्वेश्चन कराए थे तो वो आपने देख ही लिए होंगे, होमोजीनियस वाले और सेफरेट वाले। और एक इस एक्सरसाइज से भी आपका क्वेश्चन आता है जो पीवाई वाले टाइप के होते हैं। तो इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी कंसेप्ट से फॉलो करना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, और पेपर में भी इसी तरीके का आएगा। बस इसमें बेसिकली फॉर्मूलों का यूज है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो बेटा मेरे को बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, इसका मेरे को जनरल सॉल्यूशन बताना है। क्या बताना है? इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, मुख्य हल बताना इसका है। तो देखो सबसे पहले बेटा इसकी जो हम कंपेयर करेंगे, प्यारे बच्चों इसकी कंपेयर करेंगे हम, ये क्वेश्चन इसे थोड़ा तरीके से लिख लेता हूं मैं। dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x, और ये y इज इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके लिख लिया। तो बेटा जो इसकी हम कंपेयर करेंगे, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q से कंपेयर करने पर या तुलना करने पर, ये आप लिख लेना, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसकी कंपेयर इससे करता हूं तो प्यारे बच्चों यहां से p की जो वैल्यू आएगी बेटा, p की वैल्यू यहां से मेरे को मिलेगी 1 अपॉन x, ठीक है। इसी प्रकार से q की वैल्यू जो मिलेगी मेरे को बेटा, q की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो स्टेप वाइज सीखने की कोशिश करना, ऐसे ही करके आना अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बेटा मेरे को चाहिए होता है IF। अब व्हाट इज IF, ये आपने पढ़ा भी होगा, इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं इसे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर p और ये dx, ये फॉर्मूला आपका इंटीग्रल फैक्टर का होता है। तो फटाफट से पहले मैं IF निकाल लेता हूं। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स और ये डीएक्स। अब बेटा देखो ई की पावर 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा प्यारे बच्चों, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, ठीक है, या लॉग एक्स प्लस सी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्यारे बच्चों जो निकल गया है, ये निकला है आपका IF, जिसे इंटीग्रल फैक्टर हम बोलते हैं। क्लियर है वाली बात? तो ये मेरा IF निकल गया। अब जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है बेटा वाई इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ और ये डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। यहां वाई आएगा, यहां आपका इंटीग्रल फैक्टर आई एफ, और यहां पर भी आई एफ, और इधर ले लोगे आप क्यू ले लोगे। आ रही है बात समझ में? जो ये आपका ये क्यू है, नहीं तो इसका तो यूज कहीं भी हुआ ही नहीं, है ना। अब देखो बेटा y ऐसे एज इट इज ऐसी रखोगे, आई एफ आपका क्या निकल का आया है? e की पावर log x, या e की पावर log x प्लस c लिखना चाहो लिख देना, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फैक्टर, वो इंटीग्रेशन करना है क्यों, क्यों क्या है आपके पास x स्क्वायर इंटू आई एफ, क्या निकल का आया बेटा e की पावर log x, e की पावर log x और ये dx। तो बेटा ये जो मिला आपको y इंटू e की पावर log x, अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर इंटू e की पावर log x का, तो मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है प्यारे बच्चों। ये दो जो फंक्शन है मेरे, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। किसमें है? मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन का हम आईलेट रूल लगा देंगे। तो आईलेट आपको पता ही होगा भाई, ये अगर मैं आईलेट की बात करूं, जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लो भाई,
यहां पर देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम्स फंक्शन, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो बेटा ये आएगा आपका एल्जेब्रिक में और ये आएगा आपका एक्सपोनेंशियल में। तो पहला ये पढ़ रहा है तो इट मींस पहला आपको ये मानना पड़ेगा और सेकंड आपको ये मानना पड़ेगा। अब इसमें फर्स्ट सेकंड रूल मान के लगा दो और फटाफट से आपका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कर लेना, ना हो तो पूछ लेना। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, ये आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। काफी बार ये दो नंबर में पूछा गया, बड़ा सिंपल सा है और इजी है। ये बोला गया है इन ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ ट्राइंगल का जो आपका वैक्टर नियम है वो लगा देंगे हम यहाँ, बड़े आसानी से वाला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं एक ट्राइंगल ही बना लेता हूँ, और ये कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये आप राइट एंगल ट्राइंगल ही लें। अब इसमें यहाँ कोई इसका मुद्दा नहीं है कि आप ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं इसका वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ट्राइंगल का लो लगाऊंगा, अगर इसमें मैं ट्राइंगल का लो लगाता हूं तो प्यारे बच्चों जो मेरा निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। देखो यहाँ सॉल्यूशन देख लो, बड़ा छोटा सा है, बहुत इजी सा। ये जो ए सी वैक्टर है ये किसके इक्वलेंट है, ए बी वैक्टर के और प्लस बी सी वैक्टर के, ठीक है भाई। यहां से देखो सी तक पहुंचने के मेरे दो रास्ते हैं, या तो ए से मैं सीधा सी पर पहुंच जाऊं, ध्यान से देखना भाई, मेरे पास यहां मैं खड़ा हूं और सी तक पहुंचने के मेरे पास दो रूट हैं, या तो डायरेक्टली मैं यहां से पहुंच जाऊं कि ए टू सी, या मेरे को दूसरा मेथड क्या अपनाना होगा, ए टू बी और बी टू सी, ऐसे करके। तो इन दोनों की बराबर जो इन दोनों का सम होगा वो इसके इक्वलेंट होगा, क्लियर है वाली बात। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखो एक काम करेंगे हम भाई, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर और इसे उठा के उधर ले आएंगे तो माइनस का ए सी वैक्टर और इज इक्वल्स टू जीरो। इन पूरे को मैंने इधर लिख लिया पहले और फिर इसको उठा के मैं उधर ले गया, तो बेटा ये हो गया माइनस का, ठीक है प्यारे बच्चों। बट यहां मेरे को प्लस लेकर आना है, और एक कॉमन बात है देखो, यहां पर यहां आपको ए सी वैक्टर दिया हुआ है, क्या है ए सी वैक्टर। तो बेटा देखो यहां डायरेक्शन का बहुत बड़ा गेम है, अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस, और ये आपको जो प्रूफ करना है वो निकल के आ जाएगा, और इसे लिख दोगे आप हैंस प्रूफ्ड। देखो ये वाला पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एक पॉइंट मेरे पास ये रहा और एक पॉइंट मेरे पास ये रहा, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे को यहां से मैं यहां चल दिया, देखो ये 5 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो चाहे ए बी या बी ए लिख दो, दोनों 5 ही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरे को इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, डिस्टेंस इधर से इधर की तरफ को जा रही है, तो बेटा मेरे को लिखना होगा ये ए बी वैक्टर प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसे ही लिखने का जो दूसरा मेथड, अगर मैं इसको इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, ये इसकी डायरेक्शन में चेंज कर दूं, तो बेटा क्या होगा, यहां पर यहां जाएगा बी ए वैक्टर, और उसका क्या क्या लग जाएगा, यहां पर नेगेटिव मार्क आपका निकल के आ जाएगा, जो पॉजिटिव था किसमें कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। अब दोबारा अगर डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम एज इट इज मैंने यहां पर भी यही नियम यहां पर लगाया है। बहुत बार ये छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ये है बेटा आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में, काफी बार पूछा गया, 1 से 2 नंबर में हर बार ये पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी का है, जैसा आपने देख भी लिया होगा क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू 0.4, पी बी इज इक्वल्स टू 0.8 एंड पी बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0.1, फाइंड पी ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन होता तो आप निकाल लेते आराम से, यूनियन है तो थोड़ा सा इसमें दो फॉर्मूले हमें लगाने होंगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें हमारी दोनों चीज कवर अप हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में? देखो भाई जो आपको गिवन है सबसे पहले वो लिख लीजिए, जो इवेंट से आपको गिवन है, पी ए बराबर 0.4 एंड पी बी बराबर 0.8 और बेटा पी बी अपॉन ए बराबर 0.1। मेरे को जो निकालना है, जो मेरे को फाइंड करना है, वो पी ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हो जाएगी, हम इसकी हेल्प लेंगे भाई। पहला फॉर्मूला हम जानते हैं, पी बी अपॉन ए का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है पी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ए, और अगर अपॉन में बी होता तो नीचे अपॉन में बी ले लेते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत यहां पर थी नहीं।
अब देखो बेटा इसकी जो वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास पूरे की, इसकी वैल्यू है मेरे पास 0.1। ये मेरे को चाहिए और ये मेरे को क्यों चाहिए, अभी मैं इसको बताऊंगा कि मेरे को क्यों चाहिए ये, क्योंकि यूनियन निकालने के लिए मेरे को इसकी आवश्यकता है। अब पी ए इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 0.4। क्लियर है वाली बात। अब बेटा इसकी मल्टीप्लीकेशन इधर कर देंगे तो पी ऑफ ए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू जो आपका निकल के आ जाएगा भाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.4 है, यहाँ से ये करा 10 आ गया, यहाँ से ये करा मेरा 10 आ गया, तो बेटा ये मेरा आ जाएगा 4/100 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो कितना आ जाएगा आपका 4/100 निकल के आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जो निकल के आया है वो आपका इतना निकल के आ गया है। ठीक है, अब देखो मेरे को चाहिए यूनियन। अब बेटा एक फॉर्मूला होता है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला दिया गया होगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। अब बेटा देखो मेरे पास यहाँ 3 रिजल्ट हैं बेसिकली, और चौथा रिजल्ट जो मेरे को चाहिए वो निकल के आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है बेटा 4/100, तो मेरे को ये चाहिए, ये दे रखा है 4/100 इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए क्या दिया हुआ है मेरे को 0.4, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4/10 प्लस पी ऑफ बी क्या दिया हुआ है मेरे को 0.8, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8/10। मतलब मैंने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस 4/100। एक एक स्टेप आपको दिखा कहा ना, कुल मिला के ये है। अब बेटा इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 12/10 आ जाएगा। इसको उधर ले जाइए उठा कर, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 12/10 माइनस 4/100। तो बेटा इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 से कट जाएगा 6 टाइम और 2 से कट जाएगा 5 टाइम, माइनस 2 से कट जाएगा 2 टाइम और ये 50 टाइम। ठीक है, 5 और 50 का अगर एलसीएम लोगे तो बेटा आपका 50 एलसीएम आ जाएगा। 50 एलसीएम आने के बाद कितने टाइम में चले जाएगा 10 टाइम और ये आ जाएगा आपका 60, ये कितने टाइम 1 टाइम, तो ये आएगा 2, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 58/50। या तो यहाँ छोड़ दो नहीं तो 2 से काट दो इसे, 2 से काट दोगे तो कितना आएगा 2×2=4 और 2×9=18, फिर ये 2 से काट दोगे तो 25, तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा 29/25। अब देख लेना अगर इसे डेसिमल में चाहो तो डेसिमल में लिख दो, नहीं तो फ्रैक्शन में रहने दो, कोई जब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी ये है क्वेश्चन, देखो इसमें आपको दोनों फॉर्मूले, एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काफी बार हम प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है जो 9th-10th से पढ़ कर आ रहे हैं ये पूछा जाता है, और एक ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, अब बेटा अगर इसकी जगह पर प्यारे बच्चों अगर आपका क्या होता पी ए अपॉन बी होता तो आप क्या फॉर्मूला लगाते बता सकते हो भाई, क्या फॉर्मूला लगाते यहाँ? बेटा यहाँ भी आपका ये इंटरसेक्शन सेम रहता, बट यहाँ पर नीचे क्या आ जाता पी बी आ जाता, क्या आ जाता बी आ जाता। क्लियर है वाली बात? तो बस इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, नहीं तो लेंथी हो जाएगी थोड़ी वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट से यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कोई क्वेश्चन वगैरह होता पूछ सकते हो। हमारे चैनल को साथ याद सब्सक्राइब करो जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और बाकी मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ हैं, और बहुत अच्छे से आपको पेपर देकर आने हैं। बहुत देखिए ये जो टाइम है इसकी आपको कदर करनी है, क्योंकि 12th का टाइम दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।